आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। वक्त है भारत के हर कोने की खबरों को आप तक पहुंचाने का, और हम शुरुआत करते हैं दिल्ली की एक ऐसी खबर से जिसका राजधानी के हर बाशिंदे से सरोकार है। कल केजरीवाल सरकार ने तेल के वैट में इजाफा किया, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आया। नतीजा आज सबके सामने बीजेपी और कांग्रेस के जबरदस्त विरोध के तौर पर नजर आया। दिल्ली का सामना आज दिन भर अलग अलग जगहों पर विरोध की इन्हीं तस्वीरों के साथ हुआ। प्रदर्शन करने वाली पार्टियां अलग जरूर थीं, लेकिन निशाने पर था तो सिर्फ किरदार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बुधवार को दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने का फैसला लिया, जिसके बाद आधी रात से पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में ठीक ठाक बढ़ोतरी हो गई। दिल्ली वालों की परेशानी को विपक्ष ने मुद्दा बनाया और शुरू हो गया आपकी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। केजरीवाल सरकार के वैट में बढ़ोतरी के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली सचिवालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही अपना विरोध दिखाया। बीजेपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस को पानी की बौछार का भी इस्तेमाल करना पड़ा। आईटीओ से सचिवालय की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी की बौछार के जरिए बीजेपी के प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश यहाँ पर पुलिस ने की है। और बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने छलावा किया है दिल्ली वालों के साथ। हमारा प्रदर्शन है, केजरीवाल ने जो बेईमानी की है, धोखाधड़ी दिल्ली की जनता के साथ की है। उन्होंने कहा था कि रेट नहीं बढ़ाएंगे, जनता को महंगाई का तोहफा दिया है, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। दिल्ली में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ने ही नहीं, बल्कि आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं ने भी मुख्यमंत्री केजरीवाल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उनके घर के बाहर संगीतमय अंदाज में प्रदर्शन किया। साथ मिला कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी का। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, चुनाव जीतने से पहले इन लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे करे, इन लोगों से काम करवाए, इन लोगों से वोट ली, और चुनाव के जीतने की बात इन लोगों से मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। लोग यहाँ पर परेशान है, और इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले इनसे वायदे किए थे कि अगर इनकी सरकार आएगी तो इन सभी को नियमित कर दिया जाएगा, पीएफ और ईएसआई की सुविधाएं इन्हें दी जाएगी, पेंशन इन्हें दी जाएगी, लेकिन इनकी अब फिलहाल सुनी नहीं जा रही है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की पब्लिक ने 5 साल के लिए जनादेश तो दिया है, लेकिन ये भी तय है कि जनता के खिलाफ लिए गए फैसलों के बाद विरोध भी इसी जनता का झेलना होगा। दिल्ली से अमित चौधरी और कपिल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।